बेमेतरा के नवागढ़ इलाके में दर्ज हुए अंधकत्ल की गुत्थी को पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा लिया। तहकीकात में खुलासा हुआ है कि अधेड़ की हत्या को उसकी पत्नी और बेटे ने ही अंजाम दिया था, क्योंकि दोनों उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। क्या है हत्या के पीछे की पूरी दास्तान, ये रिपोर्ट देखिए। नवागढ़ पुलिस ने किया हत्या का पर्दाफाश, चंद घंटे में सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। पत्नी और बेटे ने की थी शख्स की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेमित्रा में दर्ज हुए अंधकत्ल की गुत्थी को पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा लिया। वारदात उस वक्त दर्ज हुई जब नवागढ़ इलाके के अंधियारखोर गांव में एक अधेड़ की लाश बरामद हुई, जिसकी शिनाख्त होते ही जांच कर रही टीम के शक के रडार पर कुछ करीबी लोग आए और चंद घंटे में ही वारदात का राजफाश हो गया। आज सुबह हमारे पास सूचना गांव में विश्राम यादव की मृत शरीर मिला हुआ है, जिसके चलते घटनास्थल पे थाना प्रभारी एसडीओ के और एडिशनल एसपी सभी की टीम के द्वारा जांच कार्रवाई किया गया, जिसमें पता चला कि मृतक नहीं है। आगे इस जांच में पता चला कि मृतक की हत्या मृतक के पुत्र एवं मृतक की पत्नी के द्वारा की गई है। पुलिस की जांच में मृतक की शिनाख्त विश्राम यादव के तौर पर हुई, जिसकी उम्र 55 साल थी। लाश गांव के मंदिर के पास डबरी में झाड़ियों के बीच बरामद हुई थी। जब मृतक के परिजन ने पुलिस को बताया कि विश्राम सिंह बीती रात से ही घर पहुंचा था, जिसे खोजने के लिए पूरा गांव जुटा था, मगर वो नहीं मिला और सुबह होते होते उसकी लाश मिल गई। परिजन से बातचीत में पुलिस को एक ऐसी बात खटक गई कि मृतक की पत्नी और बेटे पर शक गहरा गया। इस तरह हत्या का पेचीदा केस चंद मिनट में सुलझ गया। पुलिस के मुताबिक तहकीकात में अहम बातें सामने आई थी कि विश्राम यादव का चरित्र ठीक नहीं था। गांव की कई महिलाओं से उसके अवैध संबंध थे, जिससे परिवार की बदनामी हो रही थी। यही बात परिवार के लोगों को दिन रात तक खटकती थी। बार बार समझाने के बाद भी जब विश्राम यादव नहीं माना तो दंगा कर पत्नी और बेटे ने विश्राम यादव को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पुत्र और पत्नी मृतक अपने पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था तथा अवैध संबंध के कारण परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने मिल के रात्रि में मृतक की गला घोट के हत्या की और उसके बॉडी को गांव के तालाब के किनारे में झाड़ियों में छुपा दिया था। और दोनों आरोपियों को अब पुलिस गिरफ्तार में ले लिया गया है और अग्रिम विवेचना जारी है। पुलिस के मुताबिक विश्राम यादव अपनी पत्नी से मारपीट करता था और परिवार के लिए परेशानी बन गया था। इस वजह से पत्नी और उनके बेटे ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और बीती रात को सब लोगों के सो जाने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली, फिर लाश को घर के पास में ही तालाब के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन आरोपियों का गुनाह छुप नहीं सका और हत्या का राजफाश हो गया। हवालात के लिए बेमेतरा से दिलीप साहू की रिपोर्ट। हवालात तो बस है ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।